ज़ीरेक्स को लेकर मैंने आपको पिछला अपडेट दिया था, और अभी एक और भी बड़ा और नया अपडेट आ चुका है जो कि अब फाइनल हो चुका है कि कितना टाइम लगेगा वो ज़ीरेक्स को, कि कितने टाइम के अंदर वो ज़ीरेक्स हमारे फंड्स वापस कर सकता है या फिर अपना जो प्रोजेक्ट है, अपना जो एक्सचेंज है, वापस रन कर सकता है। तो इसको लेकर निश्चित शेट्टी जी ने भी एक ट्वीट किया है और वो ज़ीरेक्स का खुद का भी ट्वीट आया है। तो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, मॉरेटोरियम के ऊपर भी सिंगापुर कोर्ट से क्या अब फाइनल होकर आया है वो सामने आ चुका है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आपका भी वो ज़ीरेक्स एक्सचेंज काम नहीं कर रहा है या फिर उसके ऊपर आपकी क्रिप्टो करेंसीज पड़ी थी जिनको आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, बाय सेल नहीं कर पा रहे हैं, ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, और या फिर आपका INR पड़ा था वो ज़ीरेक्स के ऊपर, अगर आप वो नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उसी को लेकर आज मैं एक नया अपडेट लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप भी एक वो ज़ीरेक्स यूज़र हैं या थे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वॉल्फ्रेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के अपडेट्स एंड वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ ताकि आप कभी भी अपडेट मिस ना करें, चाहे वो ज़ीरेक्स को लेकर हो, चाहे कोई भी ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट को लेकर हो। क्रिप्टो करेंसी की सारी अपडेट्स आपको मिलने वाली हैं जो मैं टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर करता हूँ, वॉल्फ्रेट ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे ऑलरेडी मैंने हैमस्टर कॉम्बैट की भी सारी डिटेल डाली थी, जो कि इतना कोई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नहीं था क्योंकि वहां पे हमारे कितने कॉइंस दिखाए गए थे उतने हमें मिले नहीं, और जो क्लेम करने के लिए थे वो क्लेम करने के लिए बहुत ही छोटी क्वांटिटी थी। वेस्टिंग इनकी, इन्होंने पहले वेस्टिंग का प्लान नहीं बताया और अभी जो वेस्टिंग का इन्होंने प्लान बताया तो उस हिसाब से कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन बाइनेंस के हिसाब से हम देखें तो यहां पे हमें लॉन्च पूल से अच्छी खासी क्वांटिटी मिल गई थी, लेकिन फिर भी वो उसकी वैल्यू इतनी ऊपर नहीं गई है जो कैटिजन की गई थी, क्योंकि कैटिजन की वैल्यू 1.2-1.4 डॉलर तक भी गई थी। लेकिन अब वही अगर हम हैमस्टर कॉम्बैट के कॉइन की बात करें तो इसकी वैल्यू सिर्फ 0.014 डॉलर के आसपास गई थी, जो अभी सिर्फ 1 सेंट से भी नीचे आ चुकी है, यानी कि अभी जो वैल्यू चल रही है 0.007 के आसपास आ चुकी है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर ध्यान ना देते हुए अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट्स के ऊपर ध्यान देंगे तो आप लॉन्ग रन में एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में आए हैं सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं या फिर एक दो प्रोजेक्ट से पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि हमेशा यहाँ पे हमें अपना जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करने आए हैं। तो ये फ्यूचर सिक्योर करने के लिए मैं आपको अपडेट्स देने वाला हूँ रेगुलर बेसिस पर। तो जो हमारी वज़ीरेक्स की अपडेट आई है वो यही है कि वज़ीरेक्स पहले क्या था, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इनका मॉरेटोरियम का अभी फाइनल नहीं हुआ था कि कितना समय मिलने वाला है, अब वो समय सामने आ चुका है, उसके बेसिस पर हमें पता चल जाएगा कि कब तक वज़ीरेक्स वापस चल सकते हैं। लेकिन उससे पहले निश्चल शेट्टी जी का यहाँ पे जो ट्वीट है इसको पढ़ लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि बहुत बहुत आभारी हैं पूरी वज़ीरेक्स फैमिली को लेकर जो अभी इतने कठिन वक्त से गुजर रहे हैं और हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे दिल से कोई सपोर्ट नहीं कर रहे लेकिन फिर भी एक तरीके की सपोर्ट ही है कि हम अभी FIR ना तो कर रहे हैं ना ही करना चाहते हैं, क्योंकि पिछला जो मैंने वीडियो डाला था वहाँ पे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे जिन लोगों ने बोला कि वो FIR करना चाहते हैं वज़ीरेक्स के ऊपर, क्योंकि उनका जो अमाउंट फंसा हुआ है उसको वो यूज़ करना चाहते हैं। और आपको भी पता है कि आपका जितना बड़ा अमाउंट इस वक्त फंसा हुआ है वो अगर किसी और एक्सचेंज के ऊपर होता तो आप उसको शायद ट्रेड कर रहे होते या फिर उसके ऊपर आप कुछ भी कर सकते थे, अपनी सेविंग्स को निकाल के यूज़ भी कर सकते थे। लेकिन अभी जो हमारी क्रिप्टो करेंसीज थी या फिर सेविंग्स थी वो सारी की सारी वज़ीरेक्स में फंस चुकी हैं एक सिर्फ साइबर अटैक की वजह से। तो यहाँ पर इनका कहना यह है कि ये लगातार काम कर रहे हैं फास्टर रेजोल्यूशन निकालने के लिए, कि जल्द से जल्द इसका समाधान करने के लिए। और इसी के साथ इनका कहना यह है कि ये कमिटमेंट करते हैं कि यहाँ पर पूरी ट्रांसपेरेंसी देने वाले हैं, रीबिल्ड ट्रस्ट को रीबिल्ड करने वाले हैं और अच्छा फ्यूचर क्रिएट करने वाले हैं। तो ये सब कैसे होने वाला है तो इसको भी हम अभी पढ़ लेते हैं। तो जो लेटेस्ट अपडेट आया वज़ीरेक्स को लेकर वो ये है कि अभी 4 महीने का मॉरेटोरियम दे दिया गया है सिंगापुर कोर्ट के द्वारा। अब मॉरेटोरियम मिल गया इसका मतलब पहले समझ लेते हैं। मॉरेटोरियम मिलने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी शख्स, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कंपनी वज़ीरेक्स के ऊपर FIR दर्ज नहीं कर सकता, FIR या फिर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकता अगेंस्ट वज़ीरेक्स, कोई भी लीगल केस नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अब 4 महीने वज़ीरेक्स को दिए गए हैं कि इस समय को वो यूज़ करके अपनी कंपनी का जो भी एक सोल्यूशन निकालना चाहते हैं वो निकाल लें, तब तक है कि कोई भी FIR या फिर कोई भी लीगल केस इनके ऊपर नहीं कर सकता अंडर सेक्शन 64 ऑफ IRDA। वैसे यहाँ पे IRDA पढ़ते तो ऐसा लगता है कि ये इंडियन लॉ ही है। तो इस लॉ के आधारित यहाँ पे सिंगापुर कोर्ट ने 4 महीने का मॉरेटोरियम इनको दे दिया है, जिसके दौरान अभी वज़ीरेक्स के पास एक थोड़ा सा समय बचा है जिस समय के अंदर ये अपना जो स्टेक होल्डर्स के लिए एक सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ये इतना छोटा अमाउंट है कि इनको हर तरीके से हर हाल में इनको एक सोल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा। तो इससे पहले भी वज़ीरेक्स अपने कैटर्स के साथ लगातार एंगेज्ड है,
अब ये जो मॉरेटोरियम मिल चुका है इससे क्या है कि अभी बहुत ही फास्टेस्ट सोल्यूशन ये निकालने वाले हैं, क्रेडिटर्स का अप्रूवल यहाँ पे रहने वाला है, लीगल बाइंडिंग हो चुकी है, तो अब रेजोल्यूशन निकाला जाएगा क्रिप्टो बैलेंसेस को रीस्टोर करने का, यानी कि पहले क्रिप्टो बैलेंसेस को होल्ड किया हुआ था, सीज किया हुआ था, अब इनको वापस रीस्टोर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे सारे स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट मिलने वाला है, स्टेक होल्डर्स यानी कि चाहे हम ट्रेडर्स हैं, चाहे वज़ीरेक्स के कुछ क्रेडिटर्स हैं या फिर वज़ीरेक्स की टीम मेंबर्स हैं, तो जितने भी लोगों का वज़ीरेक्स के साथ लेन देन था तो उन सबको यहाँ पे एक बड़ा सोल्यूशन मिलने वाला है। अब सबसे बड़ी चीज़ जो वज़ीरेक्स को करना पड़ेगा, जो कि कोर्ट की खुद की कंडीशन है, कि वॉलेट एड्रेसेस को पब्लिक कर दिया जाएगा कोर्ट एफिडेविट के द्वारा, और जो यूज़र्स की क्वेरीज रहने वाली, हमारे जो प्रश्न थे कोर्ट रूम में, उनको रिस्पॉन्ड भी किया जाएगा, पूरी की पूरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी रिलीज करी जाएगी, और फ्यूचर वोटिंग के लिए कोर्ट एप्लीकेशन की स्क्रूटनी करी जाएगी। यानी कि अभी कोर्ट ने कुछ इस तरीके से कर दिया ताकि ट्रांसपेरेंसी और भी ज़्यादा हो जाए, वज़ीरेक्स को यहाँ पे सब कुछ शो करना पड़ेगा। तो अभी एक क्विक एंड इफेक्टिव स्कीम इनका बोलना है कि इतना फास्टेस्ट यहाँ पे एक अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वज़ीरेक्स को वापस लाया जाए। तो आज का जो ओवरऑल अपडेट था वो यही था, लेकिन इनका कहना ये है कि ये जो रेजोल्यूशन निकालने जा रहे हैं एफिशिएंटली एंड इक्विटेबली बहुत ही जल्द करने वाले हैं, इन्होंने पूरी कमिटमेंट करी है। तो यहाँ पे जो ये ट्वीट है इसको रिप्लाई हम नहीं कर सकते, सिर्फ रीट्वीट कर सकते हैं, तो किसी को भी ऑप्शन नहीं दिया गया है कि वो इसको रिप्लाई कर सके, लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है मेरे हिसाब से बहुत सही है कि अभी 4 महीने के अंदर इनके पास सिर्फ इतना ही ऑप्शन है कि 4 महीने का वक्त यूज़ करके ये पूरे के पूरे वज़ीरेक्स कंपनी को, यानी कि वैसे कंपनी तो ज़ेनमे और ज़ेटाई है, ज़ेनमे इंडिया की और ज़ेटाई सिंगापुर बेस्ड, दोनों कंपनीज मिलकर यहाँ पे वज़ीरेक्स को रीस्ट्रक्चर करने वाले हैं। रीस्ट्रक्चरिंग करने के बाद यहाँ पे फाइनली वज़ीरेक्स शुरू कर दिया जाएगा और जितने भी ये क्रिप्टो बैलेंसेस अभी पेंडिंग हैं या फिर जो अभी नहीं दिख रहे हैं उनको वापस रीस्टोर कर दिया जाएगा। तीसरी चीज़ इसी के साथ साथ INR हमारा जो बचा हुआ है जो कि लगभग 34% के आसपास है, इससे पहले 66% हम ऑलरेडी विड्रॉ कर चुके हैं, तो ये 34% जो बचा है इसको भी वापस डाल दिया जाएगा। लेकिन ये स्टेप बिल्कुल लास्ट में होने वाला है क्योंकि हमारे जो INR के फंड्स हैं उनको यूज़ किया जा रहा है सिर्फ एक ही पर्पस के लिए, वो ये कि यहाँ पे सिंगापुर में लीगल केस लड़ने के लिए उसी फंड्स को यूज़ करके यहाँ पे जो लीगल फीस है उसको पे किया जा रहा है। तो जो हमारे INR फंड्स वापस मिलने हैं 34% वो बिल्कुल एंड में ही मिलेंगे, वो अभी हमें नहीं मिलने वाले, लेकिन इसी समय के दौरान हमें सिर्फ क्रिप्टोकरेंसीज के बैलेंसेस वापस मिल सकते हैं। तो ये है हमारा ओवरऑल अपडेट वज़ीरेक्स को लेकर। तो वज़ीरेक्स अभी तो नहीं चल रहा लेकिन अभी थोड़ी उम्मीद बन चुकी है कि शायद आने वाले समय में चलेगा, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हेल्प चाहिए थी एक्चुअल में, जहाँ तक मुझे लगता है टेक्निकली यहाँ पे बाइनेंस को हेल्प करनी चाहिए थी। यहाँ पे बाइनेंस का कहना ये है कि उन्होंने इंडिया के ED यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर को $47 मिलियन रीट्रेस करने का यहाँ पे उन्होंने एक किसी न किसी तरीके से रीट्रेस करके दिया, और यहाँ पे जो भी स्कैम है उनको ये पकड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बाइनेंस अपनी कंपनी जो कि वज़ीरेक्स है उसको थोड़ी सी हेल्प करे तो बहुत ही जल्द वज़ीरेक्स सही तरीके से चल सकता है, लेकिन बाइनेंस यहाँ पे इन्वॉल्व इतना ज़्यादा नहीं होना चाहता। तो मुझे फिर भी उम्मीद है अगर बाइनेंस थोड़ा सा भी यहाँ पे एक आधा स्टेप भी उठाता है तो बहुत ही जल्द वज़ीरेक्स का सलूशन निकलेगा। आपके क्या मानना है इसके बारे में एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल वॉफ्टेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे। सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।